हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर, तो कैसे आप? तो वही उम्मीद है, मैं सही तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीके बाबा की क्लास में और इस खूबसूरत से आप ही के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एशियाई नीट। और आज हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक और इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो टॉपिक क्या है? डिसऑर्डर। सभी के सभी टॉपिक हमने खत्म कर लिए, आज देखने जा रहे हैं हम डिसऑर्डर। तो हर टॉपिक के पीछे डिसऑर्डर दे रखे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हर टॉपिक है ना उसके पीछे डिसऑर्डर दे रखे। तो वहां से भी बार बार नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ऐसे नहीं कर देना कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते, छोड़ दे इनको, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इनको। तो पहला डिसऑर्डर है मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस ये क्या होता है भाई? मायस्थेनिया जो ग्रेविस है वो एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि देखिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम में क्या होता है, देखिए जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके विपरीत क्या बनाता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। और वो एंटीबॉडी क्या करती है, फिर एंटीजन से बाइंड करके उस फॉरेन पार्टिकल को क्या बोला जाता है, एंटीजन बोला जाता है। तो उस एंटीजन से बाइंड करके उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रहा है वो हमारे फायदे के लिए बना रहा है या नुकसान के लिए बना रहा है? फायदे के लिए बना रहा है, जिससे कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमको नुकसान ना पहुंचा पाए। फॉरेन पार्टिकल वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर रहा है भाई। लेकिन एक बात यह भी है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अपने पराए का भेद समझता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपने पराए का क्या समझता है, भेद समझता है कि वो अपने बॉडी के जो ऑर्गन है या जो अपनी बॉडी के जो पार्ट्स है उनके विपरीत एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करेगा। क्योंकि अगर उनके विपरीत एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा तो वो एंटीबॉडी तो अपने ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किसके खिलाफ करता है, फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ, ठीक है, बचाने के लिए। बट नाम से क्या पता चल रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्व प्रतिरक्षीय विकार, मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा है। ऑटो का मतलब खुद, स्वयं स्वयं के इम्यून सिस्टम के, खुद के इम्यून सिस्टम के वजह से हो रहा है। तो इसमें इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपने ही ऑर्गन के अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे डिसऑर्डर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है। अब ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी, बट जो मायस्थेनिया ग्रेविस है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है किसके अगेंस्ट, एनएमजे के अगेंस्ट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपने देखा था ना, पीछे बताया था हमने लेक्चर में, जो मसल्स है और जो मोटर न्यूरोन है उनके बीच में जो जंक्शन है उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे बोला जाता है। तो मोटर न्यूरोन आकर के सिग्नल देगी किसको, मोटर न्यूरोन आकर के सिग्नल देगी किसको, मसल्स को देगी सिग्नल, जिससे मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन। तो इस डिसऑर्डर में क्या होगा, मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा कि एनएमजे के खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, जिससे कि जो मोटर न्यूरोन या जो मसल्स है उनके बीच में जंक्शन नहीं बन पाएगा, जिस वजह से सिग्नल मोटर न्यूरोन से सिग्नल कहां नहीं पहुंच पाएंगे, मसल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मसल तक सिग्नल पहुंचेगा नहीं तो कॉन्ट्रेक्शन होगा क्या, नहीं होगा कॉन्ट्रेक्शन। तो आपने नाम सुना होगा पैरालिसिस लकवा। तो लकवे में क्या होता है कि मान लो किसी के हाथ में लकवा गया तो उस हाथ में वो परमानेंट, उसमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। तो ये एक टाइप का क्या होता है, लकवा होता है, एक टाइप का पैरालिसिस होता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा किस वजह से, क्योंकि एनएमजे के खिलाफ क्या बन रहा है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहा है कौन, इम्यून सिस्टम। बस इतना याद रखना है, खेल गया था मायस्थेनिया ग्रेविस का, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला डिसऑर्डर है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आमवाती संधिशोथ। आमवाती संधिशोथ ये भी क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किसके खिलाफ होता है, किसके अगेंस्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट होता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ तो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होगी, डैमेज होगी, जिससे कि वो साइनोवियल फ्लूड का सिक्रेशन नहीं कर पाएगी। और साइनोवियल फ्लूड का सिक्रेशन नहीं कर पाएगी
तो बोन के बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन। पिछले लेक्चर में बताया ना कि साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, बोन के बीच में फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। तो यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनेगा, और साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनने की वजह से क्या होगा, बोन के बीच में फ्रिक्शन, जिससे कि जोड़ों में क्या होगा, दर्द होगा, और वहां पर जोड़ों में क्या जाएगी, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है ना रूमेटॉइड आर्थ, आर्थ मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, आर्थोलॉजी, जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए, सॉरी जॉइंट्स के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, आर्थोलॉजी, उसकी स्टडी को बोलते हैं। तो आईटीएस पीछे लगा हुआ है, तो बायोलॉजी में कहीं भी किसी भी टर्म के पीछे आईटीएस लगा हुआ आ जाए तो उस टर्म का, आईटीएस टर्म का मतलब होता है स्वेलिंग या सूजन, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया डायबिटीज, मेलाइटिस, आईटीस, वहां पर ही बोल दो आप, सूजन आ जाएगी, ठीक है। तो आईटीस का जनरल मीन क्या होता है, सूजन आना, स्वेलिंग आना। तो यहां पर क्या आ जाएगी, फ्लूड कम होने की वजह से जोड़ों में दर्द होने लगेगा और जोड़ों में क्या जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, ठीक है जी साहब। बस डायबिटीज मेलाइटिस वाले को मत समझ लेना, उसको आप अलग से छोड़ दो। तीसरा डिसऑर्डर है, हाँ एक चीज और याद रखो, ये जो एंटीबॉडी बन रही है साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ वो कौन सी होती है, आईजीएम टाइप की सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है। तीसरा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, पेशीय दुष्पोषण, क्या पेशीय दुष्पोषण। अब मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारी मसल्स में एक टाइप की और प्रोटीन होती है जिसका नाम था डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करती है कि मसल्स की स्ट्रक्चर बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब ये वैसे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हमारे किसी काम का भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के बारे में ज्यादा लिखवाया भी नहीं, पीछे ज्यादा नहीं कुछ नहीं लिखवाया, तो आपको याद भी नहीं करना है, कहीं से पढ़ना भी नहीं, आपका काम चल जाएगा। बट आपको इतना सा याद रखना है कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन वो मसल्स की कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर उस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो मसल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफिन में क्या होता है, डिस्ट्रोफिन में क्या होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या हो जाती है, कमी, डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जिससे मसल वीक हो जाएगी। और ये जो ये क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक विकार है, माता पिता से अपने बच्चों में, अपनी संतानों में, अपने टाबरों में जाता है, ठीक है, टाबर समझ तू, बच्चे। चौथा टाइप का डिसऑर्डर है हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। हाइपो वर्ड का मीन क्या होता है, कम, कैल्सियमिक मतलब कैल्सियमाइन, तो कैल्सियमाइन की वजह से क्या होगा, टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है, मसल्स में परमानेंट क्या हो जाता है, परमानेंट क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, उसको क्या बोला जाता है, टिटनेस बोला जाता है, ठीक है। तो हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी में क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ कैल्सियमाइन की वजह से क्या होगा, टिटनेस होने लगेगा, ठीक है। टिटनेस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन कुछ समय के लिए, ठीक है जी। चार हो गए, पांचवा है स्लिप डिस्क, आपने नाम सुना होगा जनरली कि डिस्क चिकगी, डिस्क क्या होगी, स्लिप होगी। उसका मेन क्या होता है, गांव में नाम सुना होगा आपने, जनरली गांव में कहीं पर भी आपने सुना होगा स्लिप डिस्क का नाम। तो ये हमारी जो वर्टिब्रल कोलम है वह ऐसे 26 वर्टिब्रा से मिलकर के बनी होती है, एक सीक्वेंस में अरेज होती है। तो मान ले कि ये वर्टिब्रा किस चक्कर के अपने लोकेशन से कहीं इधर इधर उधर राइट या लेफ्ट चली गई, तो ये जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रा है, अगर वो खिसक जाए अपने लोकेशन से खिसक जाए तो उसको क्या बोला जाता है, स्लिप डिस्क बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इसको क्या बोला जाएगा, स्लिप डिस्क बोला जाएगा। तो पांच हो गए। छठवें नंबर का जो डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस, तो नाम से पता चल रहा है ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है ऑस्टियोलॉजी, बोन को बोलते हैं। तो ऑस्टियो किसके लिए यूज किया, बोन के लिए। पोरो, पोर मतलब पोर, छिद्र। तो बोन में क्या हो जाएंगे भाई, छिद्र हो जाएंगे। आपने ब्रेड खाई है, टोस्ट खाया, टोस रस्क जिसको बोलते हैं, पर नाश्ते में खाते हो सुबह, तो जैसे ब्रेड में वो छिद्र आते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र आते हैं हल्के, तो वैसे ही बोन में भी क्या होने लगते हैं, छिद्र होने लगते, जैसे ब्रेड में होते हैं। तो बोन में क्या हो गए, पोर हो गए, जिससे बोन क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी। और अगर बोन एक बार वीक हो गई, तो मान लो कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें क्या ऑस्टियोपोरोसिस है,
तो उसकी बोन क्या वीक है, तो अगर मान लो कि इसको थोड़ी सी चोट आ गई तो बोन क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, बार बार प्लास्टर बंधाना पड़ेगा उसको, तो उसको बहुत ही बच करके रहना पड़ता है। किसी व्यक्ति मान लो कि बस में खड़ा हुआ है, धक्का लगा किसी दूसरे, झटका लगा, बस में खड़ा हुआ है, भीड़ है बस में, तो किसी दूसरे व्यक्ति से झटका लगा, तो झटका लगने से मान लो कि बोन ही फ्रैक्चर होगी, इतनी वीक हो जाती है बोन। ऐसे व्यक्ति से आप बच करके रहना, पता चला कि कहीं पर वो आपके गले पड़ जाए, ऑस्टियोपोरोसिस वाले व्यक्तियों से, क्योंकि उनको एक बार थोड़ी सी चोट आती क्या हो जाती, बोन फ्रैक्चर हो जाती, खत्म। बच करके रहना ऐसे लोगों से। तो बोन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिससे बोन में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। एस्ट्रोजन फीमेल में पाया जाता है ना, जनरली फीमेल में पाया जाता है, मेल में भी होता है कम अमाउंट में। तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से क्या होता है, बोन वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। कैसे, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे ये एस्ट्रोजन का लेवल भी घटने लगता है। एज बढ़ेगी, एस्ट्रोजन का लेवल घटेगा, तो वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस के चांस भी बढ़ जाएंगे, बोन के फ्रैक्चर के चांस भी बढ़ जाएंगे। आखिरी गाउट, हिंदी में बोले तो गठिया, नाम सुना होगा आपने, गठिया बाई, नाम सुना होगा आपने गठिया बाई। तो गठिया बाई क्या होती है, इसमें क्या होता है, बोन के जो जॉइंट्स है, बोन के जो जॉइंट्स है ना, उन जॉइंट्स में क्या होने लगता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है। और यूरिक एसिड के डिपोजिशन होने की वजह से, अब आप सोचोगे कि हमारे अंदर तो यूरिक एसिड बनता ही नहीं है, हमारे अंदर तो यूरिया बनता है। अरे हम जनरली क्या है, यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिन के साथ क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, बट हमारे अंदर कम अमाउंट में यूरिक एसिड भी बनता है। मेनली क्या बनता है, यूरिया, बट कम अमाउंट में यूरिक एसिड भी बनता है। पर वो यूरिक एसिड भी यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। बट गाउट में या गठिया बाय में क्या होता है, कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है कहां पर, बोन के जो जॉइंट्स है उनके बीच में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन। हाथ को ऐसे मोड़ोगे तो भी क्या होगा, पेन होगा। पैरों को मोड़ोगे तो भी क्या होगा, पेन होगा। तो ये कहते हैं हमारे सभी के सभी डिसऑर्डर। तो सभी के सभी डिसऑर्डर के साथ हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इस चैप्टर का एक भी पॉइंट मैंने एनसीईआरटी का नहीं छोड़ा है, और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं छोड़े जो नीट में आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इस चैप्टर के आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। और जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि लेक्चर के ड्यूरिंग क्या होता है, कि मान लो कि आधे घंटे का लेक्चर है तो आपको लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो उस लेक्चर खत्म होने के साथ साथ ही उस लेक्चर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है वहां पर आपको नोट्स अवेलेबल करवा दी जाएंगी। जो मैं क्लास में लिखवा रहा ना, वो के वही नोट्स, एकदम हैंड राइटिंग नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आज जो मैंने ये लिखवाया ना आपको, ये भी आपको वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगे आपको। और जो नीचे हमारे ईसीआई नीति ऑफिशियल नाम करके इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहीं पर भी आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सभी व्यवस्था आपके लिए कर दी गई, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सभी नोट्स प्रोवाइड कर दिए, सभी लेक्चर प्रोवाइड कर दिए। आपका इतना काम है, रेगुलर पढ़ना, रेगुलर लेक्चर देखना, और क्या, रेगुलर हमसे क्वेश्चन पूछना जिनमें आपको डाउट आते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।